हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल जैस्मिन लाइफस्टाइल ब्लॉग्स। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। ये देखो, सभी ये तो इंडोर प्लांट्स हैं जिनको मैंने कटिंग के थ्रू लगाया था पिछले साल, आपको दिखाया भी था। बीच में ना इनकी कंडीशन बहुत ही वर्स्ट हो गई थी, टेम्परेचर बहुत हाई था, तो इनको बहुत ही शावरिंग दिया, बाहर 2 दिन रखा और फिर मैं इनको लेके आई। और ये है अरेका, इसको भी मैंने अंदर रखा हुआ है और कैप लगा दिए हैं बकेट्स के, क्योंकि मेरे पास वो नीचे कटोरियाँ नहीं थी। ये है और ये देखो, सबको मैंने अंदर लेके आई हूँ। कुछ स्टेम्स इसकी टूट गई थी, बड़ी मुश्किल से बचाया है इसको भी। एक्चुअली क्या है ना, समर इतना मतलब बचाना मुश्किल हो जा रहा है। ये देखो, इसको मैं लेके आई, ये फेड हो गया है एकदम बिल्कुल। इसको मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ स्टेयर्स के पास इन लोगों को ले आई हूँ मैं बचाने के लिए, सेव करना है इनको। ये तो जो सेंटर में है ना, वो तो मैंने पहले से ही इंडोर ही था, बस शावरिंग करने के लिए इनको अंदर ले जाती हूँ। तो आज मैंने सोचा आपको बाहर, आज पुदीने की बनानी है चटनी, वो भी मैं जा रही हूँ हार्वेस्टर ने अपने गार्डन से। ये देखो इनसे, ये तो मनी प्लांट तो इंडोर है पहले से, बस इसको शावरिंग देना है। 2 दिन पहले दिया था, फिर ये मिट्टी मिट्टी सी हो गई है। और ये देखो, इसको भी मैंने बड़ी मुश्किल से बचाया, यहाँ लेके आई हूँ। तो समर में प्लांट्स को ना सेव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो चलें हम बाहर। और ये देखो फार्म है एक साइड पर, आप देख रहे होंगे, ये शावरिंग करती रही मैं। और ये देखो, इसको रिपोर्ट कर दिया है मैंने, ब्लैक प्लास्टिक पॉट में था, तो इसको भी मैंने जल्दी से रिपोर्ट किया। हार्वेस्टिंग करने चलते हैं हम। ये देखो इतना सुंदर है, ये फेड हो गया है क्योंकि बिल्कुल ही धूप में रहता है। ग्रीन शेड लगाया है मैंने, ये देखो ग्रीन शेड लगाया है मैंने, लेकिन फिर भी ना फेड हो जाता है बेचारों का रंग। और इसके फ्लावर्स देखो कितने प्यारे हैं, पुदीना फ्लावर्स, मिंट फ्लावर्स, मिंट प्लांट्स फ्लावर्स, पुदीना के फ्लावर्स कितने खूबसूरत होते हैं। ये देखो, ये तो मैंने हार्वेस्ट किया, ये देखो यहाँ पर कट कर लिया है काफ़ी, ये देखो यहाँ पर कट कर लिया है, बहुत सारा था ये, फिर से हो जाएगा। तो चलो चटनी बनाते हैं जल्दी से, मैंगो, ग्रीन मैंगोस। ये देखो मैंगो, मैंने ग्रीन कुछ छील लिए हैं, कुछ तो थोड़ा सा पक भी गए थे, लेकिन कोई बात नहीं। अगर ग्रीन मैंगो की चटनी बना रहे हैं और थोड़ा सा ये ये देखो थोड़ा सा पक भी जाए ना, तो मैंगो को ये ना सोचे कि ग्रीन मैंगो की चटनी कैसे बनेगी, नहीं बनेगी, बेकार बनेगी। और ये देखो, ये पुदीना है जो मैं हार्वेस्ट करके लाई थी, इसको काट लिया, वॉश कर लिया, रख दिया। और ये ग्रीन चिलीज़ है, इसमें सारी नहीं डालूंगी, थोड़ी सी डालूंगी मैं, कुछ डालूंगी जैसे इतना सेलेक्ट करके थोड़ा सा डालेंगे। ये चिलीज़ बहुत ही अच्छे हैं, अचार वाली है, जो छोटे अचार से जो काफ़ी नींबू और मिर्च वाला अचार डालते ना, वो इस ये वाली मिर्च चिल्ली है। और काफ़ी तेज़ है, टेस्ट भी बड़ा डिफरेंट सा है, तेज़ है, काफ़ी स्पाइसी सा बन जाता है अगर खाने वगैरह में डाल दे तो, लेकिन अलग ही टेस्ट है। और ये रहा मैंगो, थोड़ा सा बचा है, मैं जल्दी से और छील लूँ थोड़ा सा। ये देखो मैंने इसको पील ऑफ कर लिया है, तो बनाते हैं जल्दी से चटनी, मैंगो पुदीना और ग्रीन चिलीज। इसमें डालते हैं सॉल्ट, उसके बाद थोड़ा सा ये देखो रेड चिली, हाफ स्पून से भी कम डाल दो या थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं, आप चाहो तो ड्राई चिल्ली भी ले सकते हो, हाफ स्पून लिया है मैंने, या तो आप ड्राई रेड चिल्ली ले लो, ठीक है। अब इसको हम करते हैं ग्राइंड, थोड़ा सा वाटर डाल दें, जल्दी से करते हैं इसको ग्राइंड।
और चटनी तैयार करके दिखाती हूँ। आज मेरा ये ब्लॉग था फ्रेंड्स, इतना ही। आ रहे हैं कुछ बना रहे हैं, तो इस तरह से क्रस्ट टाइप का रहता है ना, जैसे थोड़ी सी मिर्ची दिख रही हो, मैंगो दिख रहा हो, पुदीना भी दिख रहा हो, तो उसको चाट पे ऐसे रखो तो बहुत ही टेस्टी भी लगता है और अच्छा भी। तो गुड बाय फ्रेंड्स, और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। और थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम, मोस्ट वेलकम अगेन, गुड बाय।